टैक्सील डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं एडवांस रूलिंग एफएक्यूज पार्ट वन। जीएसटी एक्ट के अंदर कब आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटी एक्ट के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन है, यदि आपको उनका जवाब नहीं मिल रहा है तो आप एडवांस रूलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उस केस में आप एडवांस रूलिंग के क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कि गुड्स और सर्विसेज की क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में आएगी तो आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया है और आपको नहीं पता कि आपके केस में वो अप्लाई होगा या नहीं होगा तो उस केस में भी आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है, आपको उसकी वैल्यू का नहीं पता कि उसकी वैल्यू किस प्रकार निकालनी है, या फिर उसके टाइम का नहीं पता कि आपने किस टाइम गुड्स या सर्विसेज को अकाउंट फॉर करना है, उसके लिए टैक्स पे करना है, उस केस में आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको डिसाइड करना है कि आपको एडमिसिबल है या नहीं है तो उस केस में भी आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने गुड्स और सर्विसेज पर कोई टैक्स पे किया है और उसकी जो लाइबिलिटी है वो आपको डिटरमिन करनी है कि कितनी होगी, उस केस में भी आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपको यह डिसाइड करना है कि आपको जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। इसके अलावा आपको यह भी डाउट है कि आपने जिस गुड्स या सर्विसेज को सेल किया है यानी कि सप्लाई किया है, क्या उसको जीएसटी एक्ट के अंदर सप्लाई माना जाएगा, इन सभी केसेस के लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 ऑफ जीएसटी एक्ट को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मुझे अपने बिजनेस के लिए एडवांस रूलिंग चाहिए लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस एडवांस रूलिंग का वर्क नहीं कर रहा है, इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? आप मैनुअल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 55/2017 सेंट्रल टैक्स को रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि नया रूल 107A जो है वो इंसर्ट किया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक CGST रूल्स चैप्टर वाइज एंड रूल वाइज इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। एडवांस रूलिंग के केस में भी मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग अलाउ कर दी गई है, इसके लिए भी CGST 12th अमेंडमेंट रूल के 2017 के द्वारा यह किया गया है। सरकार ने नया रूल 107A इंसर्ट किया है CGST रूल 2017 के अंदर। इसके अंदर सरकार ने कहा है कि कहीं भी जहां भी रेफरेंस दी गई है कि कॉमन पोर्टल पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के थ्रू फाइल किया जाएगा वहां पे मैनुअल फाइलिंग को इंक्लूड माना जाएगा। इसके लिए आप CGST 12th अमेंडमेंट रूल 2017 को रेफर कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। GST के अंदर यदि किसी व्यक्ति को एडवांस रूलिंग लेनी है तो उसको फॉर्म ARA-1 फाइल करना है। यह फॉर्म कौन व्यक्ति फाइल कर सकता है? GST के अंदर एडवांस रूलिंग लेने के लिए आप रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड पर्सन भी यह रूलिंग ले सकता है। जैसे कि GST के अंदर वह रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उस केस में वह एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको GST पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पर यूज़र ID क्रिएट करना है, उसके बाद वहाँ पर चलान क्रिएट करना है प्री लॉगिन मोड पे और एप्लीकेशन फॉर्म GST पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन पर जाना है, ऑफलाइन टूल क्रिएट को क्लिक करना है और वहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट करना है और आपका जो जुडिशियल टैक्स ऑफिसर है उसके पास वो फॉर्म सबमिट करना है विद पेमेंट रसीट। GST के अंदर एडवांस रूलिंग लेने के लिए और GST पोर्टल पर यूज़र ID और पेमेंट क्रिएट करने के लिए क्या रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए कोई अलग प्रोसेस है? नहीं, करंटली कोई अलग प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए यूज़र ID क्रिएट करने के लिए और पेमेंट करने के लिए GST पोर्टल पर एडवांस रूलिंग की। GST के अंदर एडवांस रूलिंग लेने के लिए क्या प्रोसेस है? GST के अंदर एडवांस रूलिंग लेने के लिए सबसे पहले तो एप्लीकेंट को GST पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर यूज़र ID फॉर एडवांस रूलिंग को क्लिक करना है, जो कि यूज़र सर्विस टैब के अंदर आपको दिखाई देगी। इसके लिए आपको लॉगिन नहीं करना है, प्री लॉगिन मोड पे ही आपको दिखाई देगी। उसके बाद एप्लीकेंट को अपना पैन नंबर जो है फिल करना है और लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, जिसको कि CBDT के यानी कि इनकम टैक्स के डेटाबेस के साथ वैलिडेट किया जाएगा। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो वैलिडेट किया जाएगा। इसके लिए दोनों को ही उसके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी
वन टाइम पासवर्ड जो है वो भेजा जाएगा और उसके थ्रू ये वैलिडेट किया जाएगा। जब पैन नंबर, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएंगे तो उसके बाद सक्सेस मैसेज जो है वो जनरेट होगा। ये जो यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है वह ऑथराइज सिग्नेटरी के ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट को जीएसटी पोर्टल पर जाना है अपने यूज़र आईडी को यूज़ करते हुए और उसके बाद उसको चलान क्रिएट करना है 10,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपीज़ एसजीएसटी फीस और 5,000 रुपीज़ सीजीएसटी फीस प्री लॉगिन मोड पे ही, यानी कि लॉगिन करने से पहले। इसके बाद चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो जनरेट होगा। उसके बाद एप्लीकेंट को एडवांस रूलिंग फॉर्म फिलअप करना है जीएसटी पोर्टल पर जाके और टेम्परेरी आईडी और चलान रिसीट के साथ यह फॉर्म जो है वो टैक्स ऑफिसर को सबमिट करना है। मैं जीएसटी पोर्टल पर एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करना चाहता था लेकिन मैं अपना यूज़र आईडी भूल गया हूँ और दोबारा से जब यूज़र आईडी अपना जनरेट कर रहा हूँ तो मुझे एरर आ रही है। यदि आप एक ही पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है ऑथराइज सिग्नेटरी का दोबारा से एंटर करते हैं तो आपको एरर जीएसटी पोर्टल दिखाएगा। इसलिए जब आप दोबारा अपना यूज़र आईडी क्रिएट करें तो ये इंश्योर कर लें कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी का फ़ोन नंबर है या जो ईमेल एड्रेस है वो चेंज कर दें। जीएसटी और टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो पब्लिश करें तो इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। यदि आप जीएसटी की नॉन कॉम्प्लायंस, इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र करें, यहाँ पे जीएसटी न्यूज़, टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।